राधे राधे जी, आई होप आप सब बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा कि जिसमें मैं 3 दिन कहाँ लगा के आई, कब गई, कैसे गई, तो आप वो वाली वीडियो पहले ज़रूर देख लेना। आज है फोर्थ डे, मतलब अब मैं लास्ट के 3 दिन बताऊँगी। 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगी आपको। तो 9th और 10th अक्टूबर को हम इलाहाबाद गए थे। लाइक 9 अक्टूबर को हम सुबह सुबह रात के 9 अक्टूबर 12 बजे लग गया ना रात के, तो हम 1 बजे के आसपास इलाहाबाद पहुंच गए थे। वहाँ पे महाराज जी ओरी के कोई सेवक थे जिन्होंने फ्लैट लिया था, तो उन्होंने वहाँ का इनोग्रेशन भी करना था और उन्होंने भागवत गीता की कथा भी रखवाई थी, भागवत कथा भी रखवाई थी 8 दिनों की। तो उसका भी कलश परिक्रमा थी, मतलब उसकी स्टार्टिंग भी होनी थी, तो उसकी स्टार्टिंग भी होनी थी 10 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को हम वहाँ पहुँचे। उन्होंने हमारे होटल में रूम्स सारा कुछ अरेंज कर रखा था और काफ़ी अच्छा था। लेकिन एक रूम में हम 3 लोग रहे थे और हम तीनों सेम एज, लाइक और लोगों के कंपैरिजन में हम तीनों की सेम एज मानी जाएगी, बिकॉज हम तीनों यंग में थे और सारे लोग बड़े थे हमसे थोड़े। तो फिर मतलब काफ़ी अच्छा रहा। प्रयागराज में फेमस है त्रिवेणी, मतलब 3 रिवर का संगम, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं जा पाए उसको देखने, बिकॉज वहाँ पे बोट जाती है और फिर हम बोट से उतरते हैं एक जगह पे, जगह बनी होती है तो वहीं पे हम स्नान करते हैं। बट हम वहाँ नहीं जा पाए बिकॉज वाटर का लेवल हाई था, तो कोई बोट वाला नहीं जा रहा था, महाराज जी से आज्ञा भी नहीं मिली, रिस्की था थोड़ा, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए। हमने सिंपल गंगा जी में स्नान किया, वो आपको वीडियोज़ में दिख ही जाएगा, तो आप वीडियोस देखो। रात के 12:40 का टाइम है और हम प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए हैं। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे सारे बैग इसमें रखे जा रहे हैं और हम सब कार पे जाएंगे। देव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो स्टेशन से हम लोग गए थे होटल में। सुबह का टाइम है ये, नेक्स्ट 9 की मॉर्निंग का। यहाँ पे सारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब का प्रोग्राम इसी जगह पे होना था, तो अभी हम अपने ब्रेकफास्ट की वेट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था, आपको साइड में पिक्स मिल जाएंगी सारा के आके हमने खाना खाया। जय गुरुदेव, आगे से आ जाओ, जय गुरु। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आए थे गंगा स्नान करने, और यहाँ पे कुछ ऐसा है बट फिर भी सबने स्नान कर ही लिया, चाहे बिल्कुल सफाई नहीं थी। स्नान करने के बाद पास में लाइक 1-1.5 किलोमीटर दूर ही मंदिर था, हम वहाँ गए तो कार पे ही थे। और ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, मतलब इसमें लेटे हुए हनुमान जी, और मैंने ऐसा सुना, मुझे नहीं पता कितना सच है नहीं, कि जो प्रयागराज का पानी है ना, मतलब ये जो तीनों नदियों का संगम है, ये चीज़ मतलब हनुमान जी तक आती है, इतना पानी का लेवल बढ़ जाता है साल में एक बार, और फिर हनुमान जी के फीट को टच करके वापस चली जाती है। मुझे नहीं पता कितना सच है नहीं, मैंने ये चीज़ सुनी है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद बिल्कुल साथ में ही राम जानकी जी का मंदिर भी है, मतलब मैंने नोटिस किया कि जहाँ हनुमान जी का मंदिर होगा वहाँ राम जी सीता जी का मंदिर ज़रूर ही होगा। तो बस हमने राम जानकी जी के मंदिर में दर्शन किए एंड बड़े हनुमान जी या फिर लेटे हुए हनुमान जी उस मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद हमें सीधा सोसाइटी में ले गए, वहाँ पे हमने लंच करना था, और जहाँ डेकोरेशन हो रखी है ये है उनका फ्लैट। रात के टाइम मुझे ये सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी, और अभी भी आप देख लो काफ़ी अच्छी है सोसाइटी, और सारा अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था इन्होंने बहुत अच्छा। ये अब ये सामने है होटल जो लेफ्ट वाला है ना, उस होटल में हम रुके थे। लंच करने के बाद
आए हैं हम लोग होटल में, और अब शाम को तैयार होके हम दोबारा गए यहाँ पे, क्योंकि शाम को सत्संग था और इनकी एनिवर्सरी भी थी शायद, और इनके घर में हवन हो रहा है। इसके बाद हमारे पास टाइम था, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, उसके बाद यहाँ संकीर्तन होना था, तो आप लोग भी सत्संग का आनंद लें। श्री प्रेम मंदिर पानीपत के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें महाराज जी की डेली कथा आती है। मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इनसे पहले जो मीनाक्षी दीदी बोल रहे थे, उनका भी अपना चैनल है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। कोई गलती हो जाए तो मुझे अपना छोटा बच्चा मान के क्षमा कर दीजिएगा। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फ्री थे, तो पास के साईं मंदिर शिरडी बाबा शिरडी मंदिर, हाँ शिरडी धाम, यहाँ पे गए हम माथा टेका। उसके बाद हम वापस आए, यहाँ पे कलश यात्रा होनी थी, उसकी वेट कर रहे थे। अब चुनिया मिल रही है सबको, कलश यात्रा के लिए तैयारियाँ हो गई है सारी, अब साथ चलो कलश यात्रा के लिए। ये इसमें भजन बज रहे थे, कॉपीराइट की वजह से मेरे को साउंड ऑफ करनी पड़ी, और बहुत मज़ा आया कलश यात्रा में। 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसे थे, महाराज जी रथ पे थे, और जिन्होंने भागवत गीता करनी थी वो भी रथ पे थे, दूसरे रथ पे वो पीछे थे, और उन्होंने ही 8 दिन की भागवत कथा करनी थी यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत मज़ा आया, मतलब प्रेम मंदिर वालों का फेसबुक
पेज भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जिन्होंने फेसबुक पे लाइव देखा होगा उनको तो बहुत ही मज़ा आया होगा, लाइक ऐसे पूछा भी कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया था। और कलश यात्रा के टाइम भी हम लोग दोबारा शिरडी धाम गए क्योंकि वहीं से पानी भरना था। और ये हमारे प्यारे प्यारे महाराज जी, कलश यात्रा के बाद हमने लंच किया, उसके बाद हम रेस्ट करने भी वापस गए होटल में। उसके बाद आने के बाद यहाँ भागवत की कथा होनी थी, फर्स्ट डे था और मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर मेरे को नींद आ गई और मैं जाके सो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और यहाँ बैठे बैठे सोना वो ज़्यादा अजीब हो जाता, तो इसलिए मैं जाके सो गई। और अब ये है 10:30 बजे तक का टाइम या 11:30 का टाइम, मतलब बिल्कुल हम जाने के लिए रेडी थे। और इन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट भी दिए और सबको एक एक करके दिया, वीडियो भी बनाई, मज़ा आया काफ़ी। गॉड ब्लेस एवरीवन। और एक एक फोटो सबकी आती रहेगी, जिसका नाम बुलाते हैं नाम लो कहते हैं पिंक वाली आ जाओ इधर, येलो। तो ये था 9th और 10th अक्टूबर को, लाइक हमने उन्हीं के, तो वो अरोड़ा फैमिली थी और हम उन्हीं की खुशियों का पार्ट बने, जो कि अच्छा लगा काफ़ी महाराज जी की कृपा से। मतलब महाराज जी कितने अच्छे भक्त हैं या जो भी हैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, सॉरी, बट जो भी है काफ़ी अच्छा रहा। मतलब महाराज जी के साथ गए थे ना, तो हमारा ये ट्रिप काफ़ी 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 बेटर रहा, बहुत अच्छा लगा। तो ये 2 दिन हमारे काफ़ी अच्छे रहे, उन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट भी दिए, मतलब आपको मैं फ़ोटो दिखा दूँगी साइड पे, ये था इस गिफ्ट में। और लाइक वीडियोस बनाई, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। मुझे ना सोसाइटी से प्यार हो गया उनकी, मतलब ऐसी सोसाइटी, मैं तो पहली बार ऐसी सोसाइटी में गई थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये थे हमारे 2 दिन, काफ़ी अच्छे रहे। अब नेक्स्ट डे हम गए थे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, आप लोग अगर लखनऊ से हो, लखनऊ के आसपास हो, तो नैमिषारण्य जरूर जाना, लाइक बहुत प्यारी जगह, बहुत अच्छी जगह, प्यारे प्यारे मंदिर आपको सारे दिखेंगे इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। और थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए तो प्लीज़ देख लेना वीडियो, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छे मंदिर है हमारे, काफ़ी ज़्यादा मंदिर रह भी गए होंगे बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम था। हमारी 5:00 बजे की ट्रेन थी और नैमिषारण्य से उस स्टेशन पर जाने में भी 2 घंटे लगने थे, तो इसलिए हमारे पास बहुत कम टाइम था। जितना भी टाइम था हम बहुत अच्छे से बहुत मज़े से घूमे। और ये वो टाइम जब हमारा स्टेशन आने वाला होता है और बिल्कुल ऐसे एक गेट के पास, तो ऐसे वो हो जाता है कि बंदा वॉशरूम तक नहीं जा पाता, बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, हम सारे बैग पहले ही बाहर रख देते हैं गेट के पास, ताकि कोई रह ना जाए, किसी का बैग ना रह जाए। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो ग्रुप के साथ जाने में रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कृपया मुसाफिर खाना निहालगंज के रास्ते सुल्तानपुर। अब हम लखनऊ स्टेशन से बस में जाएंगे नैमिषारण्य, जिसमें 2 घंटे लगेंगे। और मैं अच्छे से सो के गई थी, नींद मैंने की अपनी अच्छे से, और ब्रेकफास्ट में बन मिला था और एक दो और चीज़ें मिली थी जो मुझे अभी याद नहीं है। नैमिषारण्य में पहुंच के हमने ऑटो की, और जैसे होता नहीं कि एक पंडित जी आ जाते हैं कि हाँ चलो मैं आपको सारा घुमाऊंगा सारा दिखाऊंगा, वैसे एक पंडित जी हमें इस जगह पे ले आए जहाँ पे सामने साफ लग रहा है कि बाढ़ आई हुई है, और कहते हैं यहाँ स्नान करना है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम यहाँ से चले गए। और फिर हम बहुत ही अच्छी जगह गए जो मेन है स्नान करने की। तो ये है मेन नैमिषारण्य में स्नान करने की जगह। सफाई लेवल में तो ये बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी 1 पॉइंट नहीं दूंगी मैं, बट हाँ ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, बहुत ही मेन माना जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे इंद्र देवता जी ने ये चक्र फेंका था इसी जगह पे, मतलब उनको सारे देवताओं जी ने कहा था कि हमें एक चाहिए जहाँ पे हम अपनी प्रार्थना कर सके, पूजा कर सके, हमें हम मौन रख सके, मतलब वो कर सके कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उन्होंने कहा था धरती पे जहाँ ये चक्र गिरेगा वहाँ पे आप लोग अपना पूजा पाठ या जो भी कहते हैं वो कर सकते हैं, तो ये वो जगह है। तो ये बहुत ही
अच्छी जगह मानी जाती है, बट सफाई वगैरह नहीं थी तो मैं नहाने नहीं गई, मतलब मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गई। बाकी बहुत लोग तो चक्र के पूरा पूरा घूम के, और काफ़ी सारे मंदिर आपको देखने के मिलेंगे। और मुझे ज़्यादा मंदिरों के बारे में पता नहीं है, जो है आपको वीडियो में पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर लगे मुझे। ध्यान से पाँच हजार वर्ष पुराना है। विशाखा जेमनी बोले थे इतना ज्यादा किसी ने दर्शन करें। जय नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गुप्तदान में अनाथ बच्चों के लिए अन्न दान की सेवा में 250 रुपए का सहयोग दान दिए। मंगल करे कल्याण करे नई स्वर्ण निधि आपका प्रफुल्ल करे। चार परिक्रमा जरूर करो, परिक्रमा जरूर चार कर लीजिए। पहले अनाथ बच्चों के लिए प्रसन्न चित्त होकर के व्यास जी के आश्रम में गरीब असहाय अनाथ बच्चों के लिए ये एक मित्र सेवा है। तो नवी शरण में एक ये मंदिर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अंदर देखो आप क्या है, और ना वीडियोस में ध्यान से सुनना, क्योंकि साइड बैकग्राउंड में ना लोग बता रहे हैं, कभी पंडित जी कभी कोई दीदी, कि क्या है क्या नहीं।
की जय राज की जय। उनको मार के ना अलाउड नहीं बनी, अच्छा। उनको मार के अभी रावण को मार के ना हनुमान जी को राम लक्ष्मण को गंदे पे लेकर यहाँ आए हनुमान जी। और ये एक बहुत ही अच्छी जगह, मतलब नैमिषारण्य में सारी बहुत अच्छी जगह। इसमें ये कहते हैं कि आगे जो आपको गंगा जी या पानी है जो भी है ना उस वो पानी में, मतलब गंगा जी है या जो भी है उसमें फ्रूट्स डालो तो फ्रूट हैवी होता है तो वो डूबेगा, ठीक है। और जो पत्ते होते हैं वो लाइट वेट होते हैं तो वो तैरेंगे ना, पर पत्ते भी आपके डूब जाते हैं। मतलब उसमें ऐसा माना जाता है सामने जो आपको दिखेगा अब, कि अगर आपकी सारी चीज़ें डूब गई मतलब सारी भगवान जी ने स्वीकार कर ली और जो ऊपर आ गई वो आप प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाओ। जल में धुलो, यही धुलो, आप भी ले लो, धुलो सब लोग ले लो, ओम का चढ़ा दो, ओम का चढ़ाओ, ओम नमः स्वाहा, छोड़ दो अपने जगह पर भी चढ़ा दो, थोड़ी थोड़ी अरे अंदर मत देखो, यही चढ़ा दो उनके नाम पे, ओम देखो नीचे जा रहे, अब मान एक फल नहीं दो फल लो हाथ में, उसी में हाथ लगाओ, मैंने नहीं लिया था ये 10-20 जितने रुपए का भी था, बिकॉज पता नहीं क्यों मैं प्रसाद फूल माला ये सब नहीं लेती। तो मुझे महाराज जी ने अपना बेलपत्ता दे दिया था और एक ऑरेंज दे दिया था, तो ऑरेंज वापस आ गया था, बेलपत्ता अंदर चला गया था। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी खड़े होने की, साइडों में सारा पानी था मतलब, और आगे भी नहीं जा सकते थे तो इसलिए वीडियो ऐसे करके ही बनी। अब वापस हम जा रहे हैं अपनी बस के लिए, वहाँ पे एक मंदिर जाएंगे फिर लंच बस में ही करके वहाँ से हम वापस स्टेशन पर चले जाएँगे। इस मंदिर में भी भजन बोल बज रहे थे तो कॉपीराइट की वजह से मेरे को आवाज़ वो करनी पड़ी बिल्कुल, पर ये मंदिर बहुत अच्छा, मतलब तीन देवियों वाला मंदिर या पता नहीं क्या नाम है, मैं मेंशन कर दूँगी, काफ़ी अच्छा मंदिर है। क्योंकि जिस मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं ना अट्रैक्टिव अपने आप लगते हैं, जैसे माता रानी दुर्गा माता की मूर्ति इतनी बड़ी और इतनी प्यारी मूर्ति है, बहुत प्यारी, आप मेरी शॉर्ट्स में देख लेना या इंस्टाग्राम पे रील्स पे, बहुत अच्छी थी ये। इसके बाद हम बस पे ट्रैवल किए 2 घंटे, फिर मैं सो गई, फिर हम आ गए ऐशबाग जहाँ से हमारी ट्रेन जानी थी और ट्रेन 1 से 1.5 घंटा लेट हो गई। उसके बाद ट्रेन में क्या हुआ वो आप देखो, और मैंने रील अपलोड नहीं शॉर्ट्स अपलोड किए कि कैसी ट्रेन में आपको कभी ट्रैवल नहीं करना। भोजन पर रील होता ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल्दी लाज गए अचरज दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनु। नैमिषारण में बारिश की वजह से और इतने दिन की थकान की वजह से मुझे फीवर हो गया था और इस ट्रेन की बुरी हालत, शुक्र है मैं बस में नैमिषारण आने जाने के टाइम सो गई थी, नहीं तो यहाँ पे तो मेरी नींद से बुरी हालत हो जाती। गवर्नमेंट की गलती है तभी इतने सारे लोग स्लीपर में और थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, स्लीपर कोच है। 2 घंटे ट्रेन लेट होने के बाद फाइनली फॉर टूडेज वीडियो, तो हम एंड पार्ट पे आ गए। लाइक आप लोग, आई प्रे टू गॉड कि आप लोगों को जरूर बुलाएं अगर आप नहीं गए। अयोध्या बहुत अच्छी जगह है, भगवान जी मतलब भगवान जी वाली जगह पे जाना चाहिए। मेरा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।